नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल और आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हर एक स्टूडेंट जानता है, बट बावजूद इसके यूजीसी नेट में यहाँ पर इनके वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद हमारे लिए आउट ऑफ ट्रैक होते हैं या थोड़ा सा हाई लेवल से पूछे जाते हैं। सो हमें अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड नाउ जिनकी हमें बेसिक नॉलेज शायद बहुत अच्छी है, बट बावजूद इसके यूजीसी नेट में उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा पीक लेवल से पूछे जाएंगे, हाँ शायद वो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक भी हो। सो ऐसे कंडीशन में हमें इन सब्जेक्ट्स की उस तरीके से स्टडी करनी है ताकि हम उन आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस को टच कर पाए। फिर एक बन जाता है उन सब्जेक्ट्स का, वो सब्जेक्ट्स जो शायद हमने अपनी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़े हो, जिसमें प्रीपोजिशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक, टॉप, कंपाइलर डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फजी सिस्टम ऑपरेशन रिसर्च एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, और जिसमें साथ साथ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक टॉपिक होता है एक्सपर्ट सिस्टम जो पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेजरली पेपर थर्ड में पूछे जाते हैं। नाउ ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को जीरो लेवल से शुरू करना है, जो ऑब्वियसली यूजीसी नेट में ये पूछे जा रहे हैं, तो हमें पीक लेवल्स तक इन्हें पढ़ना होगा। सो हम कह सकते हैं कि थर्ड पेपर में जो हमारी वेटेज लगते हैं वो यही सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि अगर हम इसमें से कोई भी सब्जेक्ट मिस करते हैं तो शायद हमारी थर्ड पेपर में हमारे लिए काफी ड्रॉबैक आए। तो इसी चीज के लिए हमें ये पूरा का पूरा बंच तैयार करना होगा। शायद अगर हमने नहीं पढ़ा है तो ये चीजें हमें शुरू से पढ़नी होंगी और बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, बिकॉज ऑफ शायद हमने ये ना पढ़ी हो और शायद इनके पेपर में वेटेज बहुत अच्छी होगी। नाउ फिर आपका ये थर्ड बंच आता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। ऑब्वियस है कोई प्रोग्राम बनाना यहाँ से नहीं पूछा जाता, ना ही कोई एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा। यहाँ पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो ऐसी कंडीशन में स्किल चाहे सी में हो, C++ और जावा की हो, चाहे वो SQL की हो, चाहे वो यूनिक्स की हो, प्रोलॉग लिस्ट चाहे असेंबली की हो, आपको हर एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म को टच करते हुए उनके बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और शायद यहाँ पर इन क्वेश्चन की बात करूं तो आपका C++ एंड SQL एंड यूनिक्स, ये चार टॉपिक आपके ऐसे हैं जहां पर हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जहां पर C++ में आने वाले क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी 3 से 4 जा सकती है, बट यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज्यादा बेस्ड करते हैं। उसी के साथ अगर हम सी की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस का जो बेस होगा वो प्रोग्रामिंग स्किल होगी और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे रिगार्डिंग टू सी। एंड नाउ SQL पेपर थर्ड में पूछा जाता है, जहाँ पर